श्री कृष्ण कहते हैं जैसे संसारियों में सत्व रज और तम ये तीनों गुण हैं, भक्ति में भी सत्व रज और तम तीन गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो घर यहां टूटा है वहां टूटा है मरम्मत नहीं कराते पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है आंगन में काई जम गई है होश तक नहीं असबाब सब पुराने हो गए हैं ठीक ठाक कराने की कोशिश नहीं करते कपड़ा जो मिल रहा है वही सही देखने में सीधे साधे शांत दयालु मिलनसार कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं, जेब घड़ी चेन, उंगलियों में दो तीन अंगूठियां मकान की चीजें बड़ी साफ दीवार पर रानी की तस्वीर राजपुत्र की तस्वीर किसी बड़े आदमी की तस्वीर मकान चूने से पुता हुआ कहीं एक दाग तक नहीं तरह तरह की अच्छी पोशाक नौकरों की भी वर्दियां इत्यादि संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा काम क्रोध अहंकार यही सब और भक्ति का भी सत्व है जिस भक्त में सत्व गुण है वह एकांत में ध्यान करता है कभी तो वह मस्हरी के भीतर ध्यान करता है लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं शायद रात को आंख नहीं लगी इसलिए आज उठने में देर हो रही है इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक साग पात पाने से ही चल गया न भोजन में भरमार न पोशाक में टीम टाम और न घर में चीजों का जमघट और फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है रुद्राक्ष की माला पहनता है जिसके बीच बीच सोने के दाने जड़े रहते हैं जब पूजा करता है वह पीतांबर पहन लेता है श्री रामकृष्ण कहते हैं जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है इस प्रकार का भक्त हठपूर्वक ईश्वर से भी भिड़ जाता है मानो डाका डालकर धन छीन लेता है मारो काटो बांधो इस तरह डाका डालने का भाव है श्री रामकृष्ण ऊर्ध् दृष्टि हो गए हैं प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं भाव यह है काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो गया गंगा काशी कांची प्रभास आदि की परवाह कौन करता है हे काली तुम्हारा भक्त पूजा संध्या आदि नहीं चाहता संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है पर पता नहीं लगा सकती दया व्रत दान आदि पर उसका मन नहीं जाता मदन के याग यज्ञ ब्रह्म के रक्तिम चरणों में होते हैं काली के नाम का गुण जिसे देवादि महा देव महादेव पांचों मुख से गाते हैं कौन जान सकता है श्री राम कृष्ण भावोन्मत्त हो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे गीत का आशय यह है, है यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दीन को हे hey शंकरी देखूंगा तुम कैसे नहीं तारती हो श्री कृष्ण कहते हैं क्या मैंने उनका नाम नहीं लिया मुझे पाप मैं उनकी संतान हूं उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूं इस प्रकार की जिद चाहिए तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है उनसे हट करो वे कोई दूसरे तो नहीं अपने ही तो हैं फिर देखो यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है वैद्य तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम और अधम जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है वह अधम वैद्य है रोगी ने दवा खाई या नहीं इसकी खबर वह नहीं लेता जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है मीठी बातों से कहता है अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे? भैया खा लो अच्छा मैं खुद खरल करके खिला देता हूं वह मध्यम वैद्य है और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते हुए देखकर छाती पर चढ़कर बैठकर जबरदस्ती दवा खिलाता है वह उत्तम वैद्य है यह वैद्यों का तमोगुण है इस गुण से रोगी का उपकार होता है उपकार नहीं होता वैद्यों के समान तीन प्रकार के आचार्य भी हैं धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं प्यार करते हैं वे मध्यम आचार्य हैं और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते हुए देख करके कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए एक भक्त ने पूछा ईश्वर साकार है या निराकार श्री कृष्ण कहते हैं उनका पार नहीं पाया जा सकता वे निराकार हैं फिर साकार भी हैं भक्तों के लिए वे साकार हैं जो ज्ञानी हैं संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है उनके लिए वे निराकार हैं भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूं तथा संसार एक पृथक सत्ता इसलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति के रूप में आते हैं ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूं संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है परंतु वे क्या है यह मुंह से नहीं कह सकता वे किस तरह हैं जानते हो मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसकी ओर छोर नहीं भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता उनका रूप भी दिखाई नहीं देता वे क्या है मुंह से नहीं कहा जा सकता कहे कौन जो कहेंगे वो रहेंगे ही नहीं उनका मैं तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता जब तुम प्याज छीलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं फिर सफेद मोटे छिलके इसी तरह लगातार छीलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता जहां अपना मैं खोजे नहीं मिलता और खोजे भी कौन वहां ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है यह कौन कहे नमक का एक पुतला समुद्र की थाह लेने गया समुद्र में जो ही उतरा कि गलकर पानी हो गया फिर खबर कौन दे आकर कौन बताए कि समुद्र कितना गहरा है पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती विचार करने का जब अंत नहीं होता तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं अंत हुआ कि चुप हो गए घड़ा भर जाने से घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता जब तक घड़ा भर नहीं जाता शब्द तभी तक होता है पहले के लोग कहते थे काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता मैं मरा कि बला टले विचार चाहे लाख करो पर मैं दूर नहीं होता तुम्हारे और हमारे लिए मैं भक्त हूं यह अभिमान अच्छा तो है पर अभिमान तो है भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है अर्था, वे अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं प्रार्थनाओं के सुनने वाले वे ही हैं तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वो उन्हीं से करते हो तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी तुम लोग भक्त हो साकार रूप मानो चाहे ना मानो इसमें कुछ हानि नहीं केवल यह ज्ञान रहने ही से काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनता है सृजन पालन और प्रलय करता है जिसमें अनंत शक्ति है भक्ति मार्ग से वे जल्दी मिलते हैं यही तुम्हारी मान्यता है यही एक भक्त की मान्यता होती है एक भक्त ने श्री कृष्ण से फिर पूछा महाराज ईश्वर को क्या कोई देख सकता है अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिलते श्री कृष्ण कहते हैं हां वे अवश्य देखने को मिलते हैं साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिखाई पड़ता है परंतु यह तुम्हें समझाऊं कैसे भक्त पूछता है हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं श्री कृष्ण कहते हैं व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो लड़के के लिए स्त्री के लिए धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है भला जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है तब तक मां रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता उसे फेंक गला फाड़कर रोने लगता है तब मां तवा उतार कर दौड़ आती है बच्चे को गोद में उठा लेती है भक्त कहता है महाराज ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार कोई कहता है निराकार फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है यह गोरख धंधा क्यों रचा है श्री कृष्ण समझाते हैं जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही तो समझाएगा वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं है यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं उस मोहल्ले में गए ही नहीं कुल खबर कैसे पाओगे एक कहानी सुनो एक आदमी शोच के लिए जंगल गया उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है लौटकर उसने एक दूसरे से कहा देखो जी उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है उस आदमी ने जवाब दिया जब मैं शोच के लिए गया था तब मैंने भी देखा पर उसका रंग लाल तो नहीं है हरा है तीसरे ने कहा नहीं जी हमने भी देखा है रंग तो पीला है इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे जिनमें से किसी ने कहा भूरा किसी ने कहा बैंगनी किसी ने आसमानी अंत में लड़ाई ठन गई तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा वहां एक आदमी बैठा था पूछने पर उसने कहा मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूं उस जीव को मैं खूब पहचानता हूं तुम लोगों ने जो कहा सब सत्य है वह कभी लाल कभी हरा कभी पीला कभी आसमानी और भी न जाने कितने रंग बदलता है वह बहु रुपया है और फिर कभी देखता हूं कि कोई रंग नहीं है उसका अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है वही मनुष्य जानता है कि वे अनेका अनेक रूपों में दर्शन देते हैं अनेक भावों में दिखाई पड़ते हैं वे सगुण हैं और निर्गुण भी जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहु के कितने रंग हैं फिर कभी कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते भरे हैं कबीर कहते थे निराकार मेरा पिता है साकार मेरी मां भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं वे भक्त वत्सल है ना पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते उस विचार का चरम सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या जब तक मैं भक्त हूं यह अभिमान रहता है तभी तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति का बोध रहना संभव है विचार की दृष्टि से देखें तो भक्त के मैं भक्त हूं इस अभिमान ने उसे कुछ दूर कर रखा है काली रूप या शाम रूप साढ़े तीन हाथ का इसलिए है कि वह दूर है दूर होने ही के कारण सूर्य छोटा दिखता है पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ना कर सकोगे और फिर काली रूप या शाम रूप श्याम वर्ण क्यों है क्योंकि वह भी दूर है सरोवर का जल दूर से हरा नीला या काला दिखाई पड़ता है निकट जाकर हाथ में लेकर देखो कोई रंग नहीं है आकाश दूर ही से नीला दिखाई देता है पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं इसलिए कहता हूं वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है उनका स्वरूप क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है ईश्वर के नाम रूप भी सत्य है ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है बड़ा अच्छा मार्ग है सरल मार्ग है अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या है यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है इसका नापतोल करने की क्या जरूरत है अगर अधे भर शराब से हम मस्त हो जाएं, तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है इसकी जांच पड़ताल करने का क्या काम अनंत ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन है वेदों में ब्रह्म ज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेष मात्र रहते ज्ञान नहीं होता यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं है इस विषय में वेदों में सप्त भूमि का उल्लेख है मन इन सात सोपानों का विचरण किया करता है जब वह संसार में रहता है तब लिंग गुदा और नाभि उसके निवास स्थल है तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता केवल कामिनी कांचन में लगा रहता है मन की चौथी भूमि है हृदय तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती है तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है यह क्या है यह क्या है तब फिर नीचे संसार की ओर मन नहीं मुड़ता उसका मन की पंचम भूमि है कंठ जिसका मन कंठ तक पहुंचा है उसकी सारी अविद्या संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया ईश्वरी प्रसंग के सिवाय और कोई बात न तो सुनने और न कहने को उसका जी चाहता है यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहां से उठ जाता है मन की छठी भूमि कपाल है मन वहां जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं उस समय भी कुछ मैं रहता है वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को पड़ता है परंतु पाता नहीं जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं पाते शिरोदेश सप्तम भूमि है वहां मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन तक नहीं रहता सदा बेहोश कुछ खाया नहीं जाता मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है इस भूमि में रहने से इक्कीस दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है यही ब्रह्म की अवस्था है तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है भक्तिपथ बड़ा अच्छा है सहज है मुझसे एक मनुष्य ने कहा था महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं क्या समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं पूजा जप आदि कर्म विषय कर्म सब छूट जाते हैं पहले पहल कामों की बड़ी रेलपेल होती है परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे, कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा यहां तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाएगा श्री रामकृष्ण शिवनाथ से कहते हैं जब तक तुम सभा में नहीं आए कि तब तक तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही जो ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गई तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा लोग कहने लगे हेलो शिवनाथ बाबू आ गए फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती हैं मेरी यह है अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है तब हलधारी से रोते हुए पूछा दादा यह क्या हो गया है हलधारी बोला इसे गलित हस्त कहते हैं ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं निताई, आमार माता हाथी। निताई, आमार माता हाथी। मेरा निताई मत वाले हाथी की तरह नाच रहा है भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं इसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है अंत को हा कहते हुए भाव समाधि होती है तब वे जो अब कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं जैसे ब्रह्म भोज में पहले खूब शोरगुल मचता है जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती है तब गुलग पाड़ा बहुत कुछ छट जाता है केवल पूड़ी लाओ पूड़ी लाओ की आवाज होती रहती है फिर जब लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू करते हैं तब बारह आना शब्द घट जाता है जब दही आया तब सब सब शब्द मानो होता ही नहीं और भोजन के बाद तो बिल्कुल निद्रा बिल्कुल शांति इसलिए कहा है कि पहले पहल कर्मों की बड़ी रेल पेल रहती है ईश्वर के रास्ते पर जितना पड़ोगे उतने ही तुम्हारे कर्म घटते जाएंगे अंत में कर्म छूट जाते हैं और समाधि लग जाती है मैं बार बार यही उदाहरण देता हूं गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास उसका काम घटा देती है दसवें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है फिर वह सिर्फ लड़के की देखभाल में रहती है घर गृहस्थी का काम सास ननद जेठानी यही सब करती हैं इसी प्रकार जब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलोगे ईश्वर के जितना निकट जाओगे तब धीरे धीरे ईश्वर तुम्हारे सब कर्म घटा देंगे इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है शेष अगले अंक में